Assalamualaikum my YouTube family, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो जी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नई माओ के लिए। 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन 70% नई माओ को सुकून मिल जाएगा ये वीडियो देख के। और पुरानी माओ के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट हो, अगर आप लोगों के लिए भी कोई पॉइंट नया हो तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, इंसान एक्सपीरियंस से ही सीखता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, जिन चीजों से मैं गुजरी हूँ ईमान की दफा और अब दायम की दफ़ा मैंने थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून है। तो इसलिए अगर आप भी उन चीज़ों से गुजर रहे हैं, पहला पहला बच्चा है, ताकि आप लोगों को भी सुकून मिले। चलिए जी वीडियो की तरफ चलते हैं। अब मैं आप लोग को जी बारी बारी दायम की सब चीज़ें दिखाऊंगी जो कि मस्ट हैव है। इनके बगैर मैं सफ़र भी नहीं करती, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद ना रात गुजरती है ना दिन गुजरता है। ये चीज़ें जब तक मेरे पास ना हो तब तक सुकून नहीं मिलता। अब मैं आप लोग को बारी बारी बताती हूँ। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब बच्चा पैदा होता है ना, मुझे नहीं पता रेशा कहाँ से आ जाता है उसके अंदर। इतना रेशा होता है, इतना रेशा होता है, कावे पिला भी दो फिर भी रेशा जाता ही नहीं है। मैं कहती हूँ छींक आएगी, नोज़िया आनी शुरू हो जाती है। तो पंप लाजमी होना चाहिए। काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करने वक्त डरते हैं कि पता नहीं इसके अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, पता नहीं बच्चे को नुकसान ना पहुँचे। इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। मैं दायम के लिए यही इस्तेमाल करती हूँ। जो छोटे छोटे पंप्स आते हैं ना मेडिकल स्टोर पर जो मिलते हैं, वो नहीं लेने। आपने बड़ा पंप लेना है इस तरह का, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इससे नाक इतनी अच्छी तरह साफ हो जाता है ना, आप लोगों ने इसी साइज का लेना है। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, छोटे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नाक उससे साफ नहीं होता। वो भी मेरे पास दो पड़े हुए हैं छोटे छोटे से, नाजुक नाजुक से, मासूम मासूम से, उनसे कोई कुछ साफ नहीं होता। इतने बड़े पंप से ही साफ होगा, ठीक है। आराम से बच्चा सोता है। जब बच्चे की नाक भरी हुई होगी बच्चा नहीं सोएगा, सांस नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा मुंह से सांस लेता है, नाक से उसे सांस लेना होता है। तो ये मस्ट हैव है, आप लोग ये ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कॉन्स्टिपेशन ड्रॉप्स। जब बच्चों को कब्ज का मसला होता है, ना बच्चों को लेट के सुकून आता है ना बैठ के सुकून आता है, ना उनको उछाल भी लो तब भी सुकून नहीं आता। दूध पीते हैं, उल्टी कर देते हैं और बिला वजह रोते रहते हैं और तीन तीन दिन उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, टू द रेस्क्यू। मैं कहती हूँ जब से मैंने ये देने शुरू किए दायम को, जब मुझे लगता है कि एक दिन या दो दिन हो गए हैं उसने वॉशरूम नहीं किया, तो मैं ये देती हूँ और उसके दो से तीन घंटे के बाद दायम को वॉशरूम आ जाता है और वो सुकून में आ जाता है। जितनी चीज़ें हैं मैंने दायम के डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करी हूँ, आप लोग अपनी तसल्ली के लिए अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये है जी स्काइलेक्स ड्रॉप्स। यहाँ पे मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे, मेरे ख्याल 60 या 70 रुपीज़ के ही आते हैं। ये है कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट दर्द के लिए नहीं है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन है ये। उसके बाद जो चीज आती है वो है जी ये नेजल ड्रॉप्स। मैंने दायम के बहुत ज्यादा नेजल ड्रॉप्स ट्राई किए। क्या होता था, जैसी नाक में डालती थी साथ ही उसको गले में जाता था, नमकीन सा पानी होता है, वॉमिट कर देता था। लेकिन ये दायम को सूट किया, इसका नाम है नोरसलीन पी। यहाँ मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी, ठीक है, ताकि मैं अगर प्रोनंसिएशन मेरी गलत भी है तो आप लोग को पता चल जाए। भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे 60-70 रुपीज़ के। अच्छा, क्या होता है कि जब एसी चल रहा होता है ना, हमारे नाक ब्लॉक हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, बच्चे का भी हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ नाक में एक एक कतरा या दो दो कतरे डालने, ज़्यादा नहीं डालने, ज़्यादा डालेंगे तो बच्चा वॉमिट कर देता होता है। जब अगर दूध पिया होता है, कोशिश करेंगे दूध पिलाने से पहले नाक में कतरे डाल दें, उसके बाद 5 मिनट के बाद दूध पिलाएं, ताकि बच्चा वॉमिट नहीं करेगा। अक्सर माओ को ये शिकायत होती है कि नाक में कतरे डाल से वॉमिट हो जाए। इसकी वजह यह है कि दूध पिलाने के बाद अगर डालेंगे और अगर ज़्यादा डालेंगे बच्चा वॉमिट कर देता होता है। ये हैं जी ड्रॉप्स, बेहतरीन चीज़ है। अब बारी आती है जब दायम को कॉलिक का इशू होता है। मुझे किस तरह पता चलता है दायम को कॉलिक का इशू है, जब दायम गैस रिलीज करता है उसके साथ रोता भी है, तो इसका मतलब है कि दायम को कॉलिक का इशू है। अगर दायम सिर्फ गैस रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब है वो तो नॉर्मल गैस रिलीज करता है, सब ये तो नेचुरल चीज़ है, गैस रिलीज करना वो तो कर देता है, ठीक है। तो क्या करती है, जो बाकी सब चीज़ें हैं तब इस्तेमाल करें जब जरूरत होगा, जब कॉन्स्टिपेशन के ड्रॉप्स हैं तब इस्तेमाल करें जब कॉन्स्टिपेशन होगी। मैं डायगैस दायम का तब इस्तेमाल करती हूँ, सुबह उठते सार मैं इसको डायगैस के 10 से 12 कतरे पिला देती हूँ, डेली की मेरी रूटीन है, ताकि गैस का इशू ही ना हो और सारा दिन सुकून से खेले, बातें करे, सोए, अपना दूध छूत पिए और रिलैक्स रहे, ठीक है। ये वाले डायगैस, जो दूसरे वाले एक और कॉलिक ड्रॉप्स है ना, वो बहुत कड़वे हैं, वो तो पीता ही नहीं है। ये वाले मीठे से हैं, शहद की तरह, ये आराम से पी लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी। इसके बाद बच्चों का अक्सर जिस्म गर्म रहना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा रोना शुरू हो जाते हैं, ट्रैवल करें तो थक जाते हैं, तो मैं दायम को पैनाडॉल नहीं देती। पैनाडॉल लेता ही नहीं है, वो कड़वी होती है और वो उल्टी कर देता है। मैं दायम को देती हूँ कालपोल, ठीक है।
इसको तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, देखे शक्ल से पता चल रहा है बिल्कुल न्यू की न्यू पड़ी है। एक दफा मैंने दी थी और इतना गंदा मुंह बनाया, ना ईमान पीती है और ना ही दाइम पीता है। दोनों काल पोल इतने मजे से पीते हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है इसका, इसकी मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी, अगर आप लोग ये लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। इसकी वजह कोई नहीं होती है, बच्चा कभी कभी होता है कि गर्म हो जाता है और परेशान होने वाली कोई बात नहीं होती। सफर करे तो थक जाते हैं, तो थोड़ी सी अगर पिला दे तो बच्चे को नींद आ जाती है। नींद से क्या होता है कि वो उसकी तबीयत दोबारा फ्रेश हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था, उसने कहा था कि ड्रॉपर नहीं इस्तेमाल करना बच्चे के लिए, आप इंजेक्शन ले लें, आगे से इसके सिरिंज को रिमूव करके फेंक दें और ये आपका एज अ ड्रॉपर इस्तेमाल होगा, स्टरलाइज बहुत अच्छा हो जाता है। देखो सबके पास स्टरलाइजर्स नहीं होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पतीले में पानी गर्म करते हैं, उसके अंदर फीडर को डिप कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर स्टरलाइजर नहीं है आप लोग के पास, आप लोग पतीले वाला काम कर रहे हैं, तो वो जो होते हैं ना ड्रॉपर, वो टूट जाता है, उसका आगे वाला हिस्सा अलग हो जाता है, पीछे वाला हिस्सा अलग हो जाता है, तो आपको बार बार नया लेना पड़ता है। अगर स्टरलाइज नहीं करोगे उसके अंदर फिर जर्म्स रह जाते हैं। इसको आप जिस तरह मर्जी बॉयल करो, आप लोग स्टरलाइज करो, इस पर कोई असर नहीं होता और ये बहुत अच्छी तरह स्टरलाइज हो जाता है और बच्चा बड़े प्रॉपर तरीके से पी लेता है। ये देखो इस तरह करके ना आराम से बच्चा दवाई पी लेता है, थोड़ा 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 करके पिए और बड़ा सही रहता है। और इसको धो के रख दो, यूं पानी डालो और इसको धो और स्टरलाइज करो, बड़ी अच्छी। उसके बाद जो चीज़ आती है ये है डिग्निटी शीट्स। माशाल्लाह से दाइम 4.5 साल का हो गया, मालिश वगैरह करते हैं और लिटाते वगैरह, जो दूसरी शीट्स होती है ना उसके ऊपर जब पानी गिरता है तो इधर उधर हो जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं ना करता पानी, इससे क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर देता है। ये काफ़ी बड़ी शीट है, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, 450 की, 500 की, 8 या 6 मिलती है, ठीक है। ये देखिए इतनी बड़ी शीट है। मैं क्या करती हूँ, एक साइड दाइम को दरमियान में नहीं लटाती, एक साइड पर लटाती हूँ, एक साइड गंदी हो जाती है तो इस साइड से कैंची से काट देती हूँ और एक और साइड बच जाती है, ठीक है। इस तरह आठ शीटें डबल इस्तेमाल हो जाती हैं। अगर आप उन्हें सिंगल सिंगल दफ़ा इस्तेमाल करनी है आप सिंगल दफ़ा कर लें। इस तरह देखें काफ़ी बड़ी शीट है, बच्चा तो छोटा सा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी रहती है, ट्रैवल करने में भी, कहीं आना जाना हो तब भी, बिल्कुल हल्की फुल्की से या कहीं भी इंसान ये रोल करके ना अपने साथ रख सकता है। इसको कहते हैं डिग्निटी शीट्स, मेडिकल स्टोर से मिलेंगी। अब बारी आती है मेरे दाइम की रात की रूटीन किस तरह सेट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग को सुकून आ जाएगा ये मेरी बात सुन के और थोड़ा सा हौसला होगा। सिरलैक के ऊपर लिखा होता है 6 माह की उम्र से, ठीक है, लेकिन मैंने 3.5 मंथ से दाइम को सिरलैक खिलाना शुरू कर दिया था। शुरू मैंने किस तरह किया था, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी 1 टेबल स्पून के साथ, बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी के साथ, आहिस्ता ज़्यादा करती गई। अब 2 टेबल स्पून भर के मैं दाइम को सिरलैक खिलाती हूँ। रात को मैंने दाइम के डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, बस आपने कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी रखनी है और कोई इशू नहीं है। इससे क्या होता है, आराम से माशाल्लाह 4 घंटे 4.5 घंटे दाइम सो जाता है, नींद पूरी हो जाती है मेरी भी और दाइम की रूटीन भी रात की सेट हो गई है। और मैं इसको फ्लेवर देती हूँ चावल वाला, और अगर आप लोग देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी के साथ शुरू करें और फिर आहिस्ता ज़्यादा करें। अब बारी आती है कि मैं दाइम को ये खिलाती किस तरह। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, इसके लिए बोल और ना स्पून रखी थी खिलाने के लिए, उससे बड़ा ही गंद पड़ता था, सारा मुंह गंदा, कपड़े गंदे, बिब गंदा। तो मैंने क्या किया कि फीडर के अंदर मैं सिरलैक डालती हूँ, पानी डालती हूँ, जो फीडर का निप्पल होता है उसको मैंने कट लगा दिया, थोड़ा भड़ा कर दिया ताकि सिरलैक उसके अंदर से आसानी से निकल जाए, ठीक है। बहुत भड़ा कट नहीं करना कि बच्चे के गले में फंसे, जितना कट होता है ना उससे इतना कट आप लोग रखना ताकि आराम से सिरलैक पास भी हो जाए और बच्चा पी भी ले, गंद भी ना डले। सुकून आ गया मेरी ज़िंदगी में जब से मैंने एक फीडर ही अलग रख लिया दाइम के सिरलैक खिलाने के लिए, उसका निप्पल को थोड़ा सा भड़ा करके। बच्चा 4.5 या 3 घंटे तो सोता ही सोता है और माओ की ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। माओ की 3 से 4 घंटे की भी नींद पूरी हो जाए ना तो सारा दिन माओ का फ्रेश हो जाता है, इतनी ज़्यादा नींद की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन थे कि आप दाइम को ओरामेल देती हैं या नहीं देती। अच्छा, ओरामेल देते किस लिए, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। ओरामेल उनको देते हैं जिन बच्चों को जेट लैग होता है, रात को जागने की आदत होती है, सुबह सोने की आदत होती है, उनके जेट लैग को ख़त्म करने के लिए हम ओरामेल देते हैं 7 डेज के लिए बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग। वो उसके ऊपर लिखा होता है कि घंटा पहले आपने देने, लेकिन घंटा पहले असर नहीं करती। तकरीबन जब मैंने दाइम का रूटीन सेट की थी 3 घंटे पहले मैं उसको देती थी, फिर जाके वो सोता था। 3 घंटे का हिसाब रखिएगा, सब बच्चों का मेरे ख्याल अलग अलग हिसाब होता होगा, लेकिन घंटा के बाद असर नहीं करती थी दाइम को। 3 घंटे पहले मुझे दाइम को ओरामेल देनी पड़ती थी, मैंने दाइम को 7 डेज दी है, अब नहीं देती, उसकी मैंने रूटीन सेट कर दी है। अगर सपोज रूटीन 7 डेज के बाद भी सेट नहीं होती ना, 7 डेज पिला के फिर 7 डेज का गैप देना है, उसके बाद 7 डेज पिलाने हैं,
ठीक है, फिर आप लोग, फिर बच्चों की रूटीन सेट हो जाती है। ये नहीं करना कि 14 डेज लगातार पिलाते रहे, बिल्कुल सेफ ड्रॉप्स है, डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किए थे, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है। और मैंने ईमान को भी पिलाए हैं और दायम को भी पिलाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का जेट लैग खत्म हो गया है। अगर आपके बच्चे कभी रात को जागता है, दिन सोते हैं, तो आप लोग ये पिला सकते हैं बेफिक्र होके। और अच्छा, मजे की बात यह है कि ये फैसलाबाद वगैरह से नहीं मिलते, ये सिर्फ मुझे लाहौर से मिलते हैं, कराची से भी नहीं मुझे मिले थे, सिर्फ लाहौर से मुझे मिलते हैं ड्रॉप्स। बाकी ऑनलाइन आप लोग सर्च करेंगे तो एक ऑनलाइन पेज है, वहां पे भी मिले हैं, पड़े हुए हैं, वहां से भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अब बारी आती है जी लास्ट चीज की, दायम की ट्रॉली, जिसके ऊपर सेक्शंस बने हुए हैं। हर सेक्शन में अलग अलग चीज मैंने सेट करके अपने बेड के साथ रखी होती है रात को सोने वक्त, ताकि मुझे हर चीज ढूंढनी ना पड़े, मुझे पता है वहां चीज पड़ी है। अच्छा, एक मैं बात आप लोगों को कहनी चाहूंगी यहाँ पे, मैंने जब दायम की ट्रॉलीज लेनी थी, मैंने बहुत सर्च की कहाँ से लूँ कहाँ से ना लूँ। जो लोकल ट्रॉलीज है ना, जो आप लोग लोकल मार्केट से मिलेंगी, 5,000-5,500 तक की मिलेंगी, ठीक है। जो मैंने दायम की ट्रॉली ली है 10,500 की ली है अलफता से, पता क्या है, 5,500 में कभी इन्वेस्ट मत करना, वो आप लोगों की लाइफ लॉन्ग साथ नहीं रहेगी और कमरे में पड़ी भी अच्छी नहीं लगेगी। हमेशा ट्रॉली में इन्वेस्टमेंट थोड़ी अच्छी कर लीजिएगा, थोड़े पैसे जमा करके, क्योंकि जो ट्रॉली है ना, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहनी है। अब दायम भड़ा भी हो जाएगा ना, उसके अंदर मैं अपनी चीजें रख सकती हूँ, रिंग्स होती है मैं उतारती हूँ उस ट्रॉली में रख देती हूँ, थोड़े से पैसे होते हैं मैं उस ट्रॉली में रख देती हूँ, कुछ होता है उस ट्रॉली में रख देती हूँ, कमरे में पड़ी हुई इतनी प्यारी लगती है ना। तो इसलिए जी पहनने वाला मशवरा यही है, प्लास्टिक की और जो थोड़ी सस्ती वाली ट्रॉलीज है वो ना ले, क्योंकि मैं ईमान की दफ़ा लेके एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। इसलिए मैंने दायम की दफ़ा अच्छी वाली ट्रॉली ली थी, थोड़े मजबूत वाली ली थी, ताकि अब वो पड़ी हुई है ना, अब वो मेरे बहुत काम आएगी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है पड़ी हुई। बाकी तो जैसे आप लोग का दिल करेगा, जैसे आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग वैसे कीजिएगा, ठीक है जी। अब मैं आप लोग को ट्रॉली दिखाती हूँ और वीडियो एंड करते हैं। आज की वीडियो हुई जी खत्म। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग पास भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो, जो लोग कमेंट्स पढ़ेंगे उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो, और जो लोग माए बनने वाली है, अल्लाह आप लोगों को खैरियत से फारिग करे। मरहला ऐसे ही होता है, गुजर जाता होता है, पता भी नहीं चलता होता है, पहले इंसान को डर लग रहा होता है, लेकिन ना बाद में अल्लाह बड़ी हिम्मत दे देते हैं। और जिन लोगों के पास औलाद नहीं है, अल्लाह उनकी सबकी झोलियाँ भर दे। अच्छा, वैसे एक बात है, अल्लाह मियाँ जिस हाल में भी रखे ना, औलाद दे या ना दे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई ना कोई मसलियत होती है, कोई ना कोई मसलियत मैं कहती हूँ लाजमी होती है किसी ना किसी बात में। उसके पास इतने बच्चे हैं, उसको कोई भी औलाद नहीं दी, उसमें भी कोई ना कोई मसलियत होती है। मुझे पता है जिसको तकलीफ, जिसको ठोकर लगे, तकलीफ उसी को ही होती है, कोई और उस तकलीफ को नहीं समझ सकता। लेकिन अल्लाह तो सबको एक ही है ना, इसलिए भरोसा रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अल्लाह की रजा में राजी होना चाहिए, अल्लाह के फैसलों में राजी होना चाहिए। और जो सारा ब्लेम औरतों को दे देते हैं, फैमिली और उनके हस्बैंड्स, बहुत गलत बात है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अल्लाह के फैसले होते हैं ये, किसी औरत को प्रेशर नहीं देना चाहिए। अब इमोशनली ओके जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।